मीडिया की जर अफशानी, मामला एनबीए के हवाले करने सुप्रीम कोर्ट का गौर। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि मीडिया के एक गोशे पर मुबैना नफरत फैलाने के इल्जाम से मुतालिक शिकायतों को पहले कौमी ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन एनबीए जैसे इदारों के हवाले किया जाना चाहिए ताकि इस पर बुनियाद तय की जा सके। कबल अजी अदालत बाला ने एनबीए और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से जमेतुल उलमाए हिंद और पीस पार्टी की दरखास्तों पर रिपोर्ट्स तलब की, जिसमें इल्जाम आयद किया गया कि मुसलसल जहर अफशानी करके और झूठी खबरें चलाकर मुसलमानों की शबीह को दागदार और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी करने की दानिस्ता साजिश की जा रही है। जमेतुल उलमाए हिंद की तरफ से बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दुबे ने कहा कि वो अदालत की जानिब से इस मामले को एनबीएससी के पास भेजने के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि एनबीएससी सिर्फ एक कमेटी है और उनके पास कार्रवाई करने के इख्तियारात नहीं हैं। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दुबे ने कहा कि अदालत उनके दलाइल की समाअत किए बगैर इस पिटीशन को खारिज ना करे। यूनियन ऑफ इंडिया ने अपने हल्फनामे में खुद इस बात का एतराफ किया है कि एनबीएससीए ने अब तक इन न्यूज चैनलों पर कार्रवाई नहीं की है। इसके बावजूद अगर अदालत इस मामले को एनबीए के पास भेजेगा तो इससे मसला हल नहीं होगा। हिंदुस्तान के 24% घरों तक ही इंटरनेट रसाई, ई तालीम के हुसूल में मुश्किलात, अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की रिपोर्ट। अक्वामे मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसेफ ने कहा कि ई तालीम के हुसूल के लिए हिंदुस्तान के सिर्फ 24% घरों को इंटरनेट तक रसाई हासिल है। यूनिसेफ की अंदरूनी इलाकों तक तालीम के हुसूल से मुताल्लुक रिपोर्ट में बताया गया कि हिंदुस्तान के देही व शहरी इलाकों की बड़ी तादाद और सिन्फी इम्तियाज ने ई तालीम के जरिए आला वस्त और कम आमदनी वाले खानदानों के सीखने के मौकों तक रसाई की खलीज को मजीद गहरी कर दिया है। रिपोर्ट में इदारे ने कमजोर माशी मौकूफ के आमिल खानदानों के बच्चों की तालीम के हुसूल की मसाई में रुकावटों पर तशवीश का इजहार किया गया है। दस्तियाब आजाद और शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान के तकरीबन 1/4 24% मकानात को ही इंटरनेट तक रसाई हासिल है। तलबा खास तौर पर हाशिए पर रखे गए तबकात की लड़कियों को स्मार्टफोन की सहूलत हासिल नहीं है। अगर ये कहीं से स्मार्टफोन हासिल भी कर लेते हैं तो उन्हें इस फोन में इंटरनेट कनेक्शन हासिल नहीं होता या बहुत कमजोर कनेक्शन हासिल होता है, जिससे वो मेयारी तालीम हासिल नहीं कर सकते। मेयारी तालीम अक्सर मुकामी जवानों में भी दस्तियाब नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वबा के असर से हिंदुस्तान में 1.5 मिलियन यानी तकरीबन 15 लाख से जायद स्कूल बंद हो चुके हैं, जिससे प्री प्राइमरी से हाई स्कूल तक के 286 मिलियन यानी 18.6 करोड़ तलबा तालीम तर्क कर चुके हैं। क्राइस्ट चर्च मस्जिद पर हमले के दहशतगर्द को सजाए उम्र कैद, न्यूजीलैंड की तारीख में पहली बार सख्त सजा। न्यूजीलैंड की 2 मसाजिद में अंधाधुंध फायरिंग करके 51 मुसल्लियों का बहिमाना तरीके से कत्ल करने और 40 दीगर को जख्मी करने वाले बंदूक बरदार दहशतगर्द को अदालत ने बगैर पेरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई है। गुज़श्ता बरस मार्च में क्राइस्टचर्च की मसाजिद पर दहशतगर्द हमला किया गया था, जिसमें 51 मुसल्ली जाँ बहक हो गए थे। इस मामले में कसूरवार
ब्रिगेडियरियन को सजा सुनाने के लिए अदालती कार्रवाई में, जो इसी हफ्ते शुरू हुई थी। 27 अगस्त को अदालत ने इसे बिला पेरोल उम्र कैद की सजा सुनाई। ब्रिगेडियरियन मुल्क का ऐसा पहला शख्स है जिसे बगैर पेरोल के उम्र कैद की सजा दी गई है। न्यूजीलैंड में मौत की सजा खत्म की जा चुकी है और मुल्की कानून के मुताबिक ये सख्त तरीन सजा है। मुल्क की तारीख में पहली बार इतनी सख्त सजा सुनाते वक्त क्राइस्ट चर्च हाई कोर्ट के जज ने टेरेंट से कहा कि जुर्म इतना संगीन है कि अगर तुम्हें ताहयात कैद की सजा दी जाए तो भी वो काफी नहीं है। तुम्हारे जरायम इतने संगीन हैं कि अगर तुम्हारी मौत तक तुम्हें हिरासत में रखा जाए तब भी यह सजा और कफारे के तकाजे के लिए नाकाफी होगी। जज ने मजीद कहा कि तुम्हारी कार्रवाई गैर इंसानी थी। 3 बरस का एक कमसिन बच्चा जो अपने वालिद के पैरों से खेल रहा था, तुमने उसे दानिस्ता तौर पर कत्ल कर दिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ, तुम अपने मुतासरीन के लिए किसी भी तरह की हमदर्दी से अक्सर खाली हो। अदालत ने सफेद फार्म नस्ली बर्तरी के पैरोकार 29 साल ऑस्ट्रेलियाई शहरी टेरेंट को क्राइस्ट चर्च की दोनों मसाजिद पर बदतरीन दहशतगर्द हमले के 51 अफराद के कत्ल, 40 अफराद के इकदाम कत्ल और दहशतगर्दी के एक वाकये का कसूरवार करार दिया है। मकतूबे रियाज मिन जानिब के एन वासिफ। सऊदी बाशिंदों का शनाख्ती कार्ड या मुकीम गैर मुल्कियों का इकामा उनके लिए एक अहम तरीन दस्तावेज है। गैर मुल्कियों के लिए अकामे का हमेशा उनके साथ रहना लाजमी होता है। अगर किसी सिक्योरिटी तफ्तीश के मौके पर कोई गैर मुल्की बगैर अकामे के पाया जाए, चाहे वो अपना कारगर अकामा रखता है मगर उसे जेब में रखना भूल कर घर से निकला है और तफ्तीश के अमल में पकड़ा जाए, तो पुलिस उसे गैर कानूनी तसव्वुर करते हुए सरदस्त गिरफ्तार कर लेती है। बताया गया कि आजकल कुछ लोग सऊदी शनाख्ती कार्ड या इकामा लेन देन के मामलात में बतौर जमानत रहन भी रखने लगे हैं। ये बात हुकूमत की नोटिस में भी आ गई है। इस सिलसिले में सऊदी हुकाम का कहना है कि कौमी शनाख्ती कार्ड या इकामा रहन रखना मना है। कोई भी सऊदी या मुकीम गैर मुल्की किसी भी इदारे या फर्द के यहाँ रहन के तौर पर शनाख्ती कार्ड या इकामा रखने का मजाज नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। महकमे शहरी उमूर अहवाले मदनी ने आगही मुहिम के तहत जारी पैगाम में कहा है कि कौमी शनाख्ती कार्ड और इकामा सरकारी दस्तावेज हैं। उसे किसी भी शख्स या इदारे के पास रहन रखना मना है। याद रहे कि इस गलती पर सऊदी कानून के बमोजिब शनाख्ती कार्ड या इकामा रहन रखने पर 5,000 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। प्रोग्राम लब्ज शनासी मुलाहजा फरमाए। तरतीबो पेशकश नादर खान सरगिरोह। मतन 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 متلون 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 مزاج متلون مزاجی متمول
متمول متمول متمول شخص متمول خاندان پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں ترتیب و پیشکش نادر خان سرگروہ